हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे ज़ू वाली वीडियो का। और ये ज़ू वाली वीडियो का मैंने पार्ट 2 स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने देखा कि ये वाले क्लिप ज़्यादा अच्छे बने। इसमें एनिमल्स ना साफ़ भी नज़र आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था। तो वैसे लास्ट वाली वीडियो भी देख लेना यार। तो ये पहले हमने देखा था ब्लैक बग, जिसके सींग देख के मेरे को डांडियों की याद आ रही थी। अब ये मत कहना कि इसके सींग में ऐसे कर्व में थे, ये पता नहीं, मैंने इसके जब सींग देखे तो मुझे डांडियों की याद आई, तो इसलिए मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे और हमने डेयर्स देखे, और उसके बाद ये बच्चा जो हमारे साथ गया था, ये इतना खुश था ना जानवरों को देख के। आप इसकी आवाज़ सुनो। फिर हम आगे गए और ये हाँ, इस वीडियो में ना इसका नाम भी मुझे दिख गया। ये था गीदड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन जैकाल। तो ये ना हमें देख देख के इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं, तेज़ ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा था। फिर मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा भाई तो भागता रहे, थक जाएगा बेचारा। फिर मैंने और वहाँ पे डेयर्स देखे, पता है वहाँ पे ना डेयर्स बहुत सारे थे। फिर हमने ये राइनासोरस देखा, और ना जब हम गए तो ये खड़े हुए थे, ऐसे पत्थर के लग रहे थे, ये तो ऐसा नकली हैं। फिर जब ये चले तो ओह नहीं, ये असली हैं। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े तो वहाँ पे ना उन्होंने जो बर्ड्स का सेक्शन था ना, बिल्कुल अलग बनाया हुआ था। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स थी, ऑब्वियसली बर्ड्स का सेक्शन है तो बर्ड्स ही होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की बर्ड्स थी। लाइक कुछ बर्ड्स को देख के ना मुझे पॉकीमॉन वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब वो ऐसे मुझे पॉकीमॉन पिजियन जैसे लग रहे थे, पिजियन जो भी होता है वो लग रहे थे। खैर वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स थी, फिर हमने वो देखी, और बहुत छोटी छोटी बर्ड्स भी थी, वाइट कलर में शायद आएंगी, वो रिकॉर्ड तो करी थी मैंने, तो वो भी देखना आप लोग। वो मुझे सबसे क्यूट लगी, बहुत ही प्यारी सी। और ये जो ये ना ये वाली मुझे पिजियन वाली फीलिंग दे रही थी, ये मुझे वही लग रही थी। और पीछे एक ब्लैक में भी थी, वो भी मुझे वही लग रही थी। और वैसे इनको देख के लग नहीं रहा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये लग रही है ना आपको पॉकीमॉन जैसी, मुझे तो लग रही थी। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े तो और ये देखो एक ये भी था, ये भी पॉकीमॉन ही लग रहा है। निकले तो वहाँ था राइनोसॉरस, और ये दो थे, और ये बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बस अंदर अंदर सांस ले जा रहे थे, और बुलबुले फोड़ रहे थे, मतलब छोड़ रहे थे। तो और लेकिन इनके पास बहुत ही सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी, तो फिर हम वहाँ से जल्दी से निकल गया। फिर उसके बाद हमने देखे थे और डेयर्स, मैं बता रही हूँ ना बहुत सारे डेयर्स है। और पता है ये एकदम से देखने में ना बकरी के बच्चे लग रहे थे, मतलब एकदम से देखने में, ठीक है। फिर मैंने इनको देखा, मैंने कहा नहीं ये तो डेयर्स है, इतने क्यूट से तैयारी है, मुझे बहुत क्यूट लगे ये। और फिर हम आगे बढ़े, इसमें वाइट वाले जो थे ना वो भी बहुत क्यूट थे, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। देखो आई एम नॉट अ रेसिस्ट, बट मुझे वाइट वाले अच्छे लगे। फिर उसके बाद ना ये दो क्लिप्स ऐसे हैं जो मैंने अपने पेज के लिए शूट करे थे, आई डोंट नो वो यहाँ क्यों आए, कैसे आए, बस आ गए। फिर मैंने हटाया नहीं, मैंने क्या अब मैं कट नहीं कर रही यार, मेरे को बहुत मेहनत लगती है ये कट पेस्ट करने में। खैर फिर उसके बाद हमने ये देखा टाइगर, जो कि बड़ी बिल्ली लग रहा था, मतलब हाँ हो, मतलब बिल्लियाँ इनकी फैमिली की होती है, पूरा एक ही फैमिली होता है, लेकिन यार ये अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने ऑक्टोपस देखा, नहीं ऑक्टोपस नहीं सॉरी ऑस्ट्रिच, सॉरी थोड़ा लेफ़्ट राइट हो गया। फिर हमने ऑस्ट्रिच देखा, और ये ऑस्ट्रिच खा रहा था। और अभी इसके बाद एक आएगा, वो तो ऐसा लग रहा था जैसा हम उसका रैम शो देखना है, वो ऐसे ही चल रहा था। अभी दिखाऊंगी आगे आएगा, वो आएगा। मैंने उसको शूट किया था, मैंने उसको जान के शूट किया था। ये देखो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे रैम वॉक कर रहा है, भाई साहब ऐसे अदाओं के साथ चल रहा था। चलो ओके, बाय बाय।